दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तूफान आया रिंकू सिंह का। पहले तो रिंकू सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दौरा दौरा कर मारा, उसके बाद महज इतनी गेंदों में खेल डाली 99 रनों की खतरनाक और विस्फोटक पारी। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो आखिरकार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले ही T20 मुकाबले में कैसे रौंदा, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एशिया कप 2023 खत्म होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में 3 T20 मैचों का सीरीज का आगाज हुआ, जिसका पहला T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए 6 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा डेविड वार्नर ने 86 रनों की पारी खेली, वहीं एरन फिंच ने 54 रनों का योगदान दिया, जबकि अंत में आकर ग्लेन मैक्सवेल ने जरूर 32 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने भी 1 विकेट चटका दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर आई, भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने के लिए आए शुभमन गिल के साथ ईशान किशन, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल मात्र 12 रन के स्कोर पर आउट हो गए, वहीं ईशान किशन 2 रन बनाकर पवेलियन चल गया। भारतीय टीम की ओर से और कोई बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पाया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर तूफान देखने को मिला रिंकू सिंह का, जबकि रिंकू सिंह ने महज 24 गेंदों का सामना करते हुए खेल डाली 98 रनों की खतरनाक और विस्फोटक पारी। वैसे दोस्तों आपको बता दे ये एक सिर्फ एक प्रैक्टिस मुकाबला था।